हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल शेबब ट्यूटोरियल। आज मैं निकिता फिर से आपके सामने करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक की है। मैं आशा करती हूँ आपने हमारी पुरानी वीडियो को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा और वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल भी रही होंगी। तो चलो फिर आज हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द पेटेंट फी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय व्हाट परसेंटेज टू प्रमोट रिसर्च। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिड्यूस किया है पेटेंट फी को फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय व्हाट परसेंटेज टू प्रमोट रिसर्च, एंड द आंसर इज 80%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली इन विच फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंद हैज बीन लेड। किस स्टेट में फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंद लेड हुआ है, एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड एन ऑडियो बुक जंगलनामा। किसने रिलीज की है ऑडियो बुक जंगलनामा को, एंड द आंसर इज अमिताभ घोष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वायस डिडवाल द फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ऑफ विच स्टेट हैज पास्ड अवे रिसेंटली। वायस डिडवाल जिसकी अभी डेथ हुई है वो किस स्टेट के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर थे, एंड द आंसर इज दिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट विल होस्ट द जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2021। कौन से स्टेट में होस्ट होगा जूनियर मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2021, एंड द आंसर इज ओडिशा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली। कहाँ पे फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड हुई है, एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर बीन इनॉग्रेटेड। कहाँ पे इंडिया का फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर इनॉग्रेट हुआ है, एंड द आंसर इज जयपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड। कौन अपॉइंट किया गया है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड का, एंड द आंसर इज वरिंदर सिंह पठानिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली इकबाल प्रीत सिंह सोहाटा हैज गॉट द एडिशनल चार्ज ऑफ डीजीपी ऑफ विच स्टेट। इकबाल प्रीत सिंह को किस स्टेट के एडिशनल चार्ज ऑफ डीजीपी मिला है, एंड द आंसर इज पंजाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। किसने टॉप किया है रिसेंटली रिलीज डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को, एंड द आंसर इज डेनमार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इज वर्ल्ड रिवर्स डे सेलिब्रेटेड। कब वर्ल्ड रिवर डे सेलिब्रेट होता है, एंड द आंसर इज 26। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली सजोत मेहंदी ऑफ विच स्टेट हैज गॉट GI टैग। सजोत मेहंदी ऑफ विच स्टेट को GI टैग मिला है, एंड द आंसर इज राजस्थान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एक पहल कैंपेन अक्रॉस द कंट्री। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक पहल कैंपेन अक्रॉस द कंट्री, एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द समर्पण पोर्टल। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है समर्पण पोर्टल को, एंड द आंसर इज हरियाणा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट परमातुम बीन मेड। कहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट परमातुम बना है, एंड द आंसर इज उत्तराखंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड। कब वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट होता है, एंड द आंसर इज 27 सितंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वेयर हैज द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्टार्टेड। कहाँ पर ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्टार्ट हो रही है, एंड द आंसर इज पेरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज लॉन्च देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप। किसने लॉन्च किया है देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप को, एंड द आंसर इज अरविंद केजरीवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वेयर विल द वीवर सर्विस एंड डिज़ाइन रिसोर्सेज सेंटर बी सेटअप रिसेंटली। कहाँ पे वीवर सर्विस एंड डिज़ाइन रिसोर्सेज सेंटर अभी सेटअप रिसेंटली हो रहा है, एंड द आंसर इज कुल्लू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द रॉयल नेवी ऑफ विच कंट्री। रिसेंटली इंडियन नेवी ने एग्रीमेंट साइन किया है रॉयल नेवी के साथ किस कंट्री में, एंड द आंसर इज ओमन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड, कब वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट होता है, एंड द आंसर इज 27 सितंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, रिसेंटली टू ऑफिसर्स ऑफ ITBP हैज कॉन्कर्ड मंसूला पीक लोकेटेड इन विच कंट्री। रिसेंटली टू ऑफिसर ऑफ ITBP हैव कॉन्कर्ड मंसूला पीक लोकेटेड इन विच कंट्री, एंड द आंसर इज नेपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वेयर हैज द फोर्थ इंडिया US हेल्ड डायलॉग बीन हेल्ड, कहाँ पे फोर्थ इंडिया US हेल्ड डायलॉग हेल्ड हुआ है, एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड लैंडसैट 9 सैटेलाइट टू मॉनिटर द अर्थ सरफेस, किसने लॉन्च किया है लैंडसैट 9 सैटेलाइट टू मॉनिटर द अर्थ सरफेस, एंड द आंसर इज नासा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्रीज क्रिकेटर मोइन अली हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली, किस कंट्री के क्रिकेटर मोइन अली ने अनाउंस की है रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली, एंड द आंसर इज इंग्लैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इन सितंबर 2021 डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन। सितंबर 2021 ने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया ने किसके साथ पार्टनर किया है टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन को, एंड द आंसर इज टेक महिंद्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच फिल्म एक्टर वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर NBA इन इंडिया, किस फिल्म एक्टर को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर NBA इन इंडिया, एंड द आंसर इज रणवीर सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इन सितंबर 2021 हु वाज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ वियकम 18, सितंबर 2021 में किसे अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ वियकम 18, एंड द आंसर इज ज्योति देशपांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इन सितंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड मैरिटाइम डे, इन सितंबर 2021 कौन सा डे सेलिब्रेट होता है एज अ वर्ल्ड मैरिटाइम डे, एंड द आंसर इज 30th सितंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेट या यूटी विल होस्ट द 5th edition ऑफ द एलाइट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू बी हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 21 to 27 2021, कौन से स्टेट या यूटी होस्ट करेगी 5th edition ऑफ द एलाइट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जो हेल्ड हो रही है अक्टूबर 21 to 27 2021 में, एंड द आंसर इज हरियाणा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, श्रीलंका हैज बैन द इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री, श्रीलंका ने किस कंट्री से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बैन किया है जो वहां पे मैन्युफैक्चर होता है, एंड द आंसर इज चाइना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ टेस्ट 100 ऑन ऑस्ट्रेलिया सॉइल, कौन सी ऐसी पहली इंडियन वुमेन बनी है जिसने टेस्ट 100 ऑस्ट्रेलिया सॉइल पे स्कोर किया है, एंड द आंसर इज स्मृति मंधाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द आर्म्ड फोर्स एक्ट इन 3 districts ऑफ विच स्टेट बाय अनदर 6 months, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्स एक्ट को 3 districts में अनदर 6 months के लिए एक्सटेंड किया है, एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री विल बी लिफ्टिंग इट्स 18th इंटरनेशनल बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन इन नवंबर, कौन सी कंट्री लिफ्ट कर रही है 18th नेशनल बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन इन नवंबर में, एंड द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट इज विजिटिंग इंडिया बिटवीन अक्टूबर 1 to 4 2021, किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट कर रहे हैं बिटवीन अक्टूबर 1 to अक्टूबर 4 2021 में, एंड द आंसर इज कोलंबिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।